फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में 4 में से प्रत्येक 1 व्यक्ति को होती ही होती है, ये बहुत ही कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है जेनाइटल वॉर्ड्स, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये इतना कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, जो भी व्यक्ति, जो भी मेल और फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, उनको ये वाली जो वॉर्ड वाली प्रॉब्लम है, ये कभी ना कभी वंस इन अ लाइफ टाइम होती ही होती है। तो US में ये सबसे कॉमन है, 4 में से 1 व्यक्ति को होती ही है। वॉर्ड्स मतलब, मैं आपको पहले बता दूँ होता क्या है। वॉर्ड्स मतलब होता है मसा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के चेहरे पे मसा होता है, किसी के हाथों पे मसा होता है, किसी के पैरों में मसा होता है, लेकिन ये मसा और जो जेनाइटल्स पे मसा होता है, उन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। हाँ, जो हाथों में मसा होता है, पैर में, शक्ल पे होता है, वो और जेनाइटल वॉर्ड्स वाले मसे में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, मसा मतलब कैसा होता है, वो सॉफ्ट मास जैसा होता है, ठीक है। सॉफ्ट ग्रोथ अपीयर्स ऑन जेनाइटल्स, ठीक है। अब देखिए, ये होता किस वजह से है, ये होता है ड्यू टू HPV। HPV क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसकी वजह से ये वॉर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये वॉर्ड्स है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV का इन्फेक्शन है ये, ठीक है। अब ये इट इज़ डेंजरस फॉर वूमन, ठीक है। मैन में भी होता है, मर्दों में भी होता है और औरतों में भी होता है, लेकिन जो औरतों में होता है बहुत बहुत डेंजरस होता है औरतों के लिए, क्योंकि देखिए इसकी वजह से फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है या फिर कैंसर वल्वा रीजन में भी हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर और वल्वल कैंसर, ये दो जो है मोस्ट मतलब डेंजरस फॉर्म्स हैं जो वूमन में हो सकते हैं वॉर्ड्स की वजह से, ठीक है। अब इस और मेंस में भी होते हैं, जैसे कि अब देखिए इसके सिम्टम्स में क्या है। देखिए, पहले तो ये ऐसा नहीं होता कि सेक्सुअली आप कांटेक्ट आ जाए किसी ऐसे पर्सन से जिसको ये वॉर्ड का इन्फेक्शन है और कल ही ये इन्फेक्शन अपीयर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये महीनों, सालों या कई दिनों बाद भी अपीयर हो सकता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है, देखिए, अगर मेल की बात करें, मेंस की बात करें, तो पेनिस रीजन में, स्क्रोटम रीजन में, ग्रोइन रीजन में, जांघों पर या फिर इनसाइड और अराउंड एनस के अंदर या एनस के आसपास के एरियाज में ये वॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम फीमेल की बात करें, तो फीमेल में जो वॉर्ड्स होता है ये वजाइना के अंदर हो सकता है या फिर एनस के अंदर हो सकता है, और वजाइना के बाहर या एनस के बाहर भी हो सकता है, और सर्विक्स रीजन में भी हो सकता है ये वॉर्ड्स, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जेनाइटल्स पे होते हैं, तो जेनाइटल्स के अलावा ये होठों पर, जीभ पर या गले के अंदर भी ये वॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हो गया है तो अब सिम्टम्स क्या हैं, देखिए, वजाइनल डिस्चार्ज होगा, इरेगुलर डिस्चार्ज, ब्लीडिंग होगी, इचिंग होगी, जलन होगी, पेनिस में यूरिनेशन के दौरान बर्निंग सेंसेशन होगा, फ्रीक्वेंट अर्ज होगी वॉशरूम जाने की, ठीक। अब देखिए, HPV जो है, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने इसको सबसे कॉमन डिसीज़ घोषित कर दी है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन घोषित भी किया जा चुका है ये, ठीक है। अब हम अगर बात करें रिस्क फैक्टर की, तो कौन कौन इंसान इसके रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, देखिए, जो भी 30 साल से कम के हैं, ठीक है, 30 साल की एज से कम के हैं और सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनको हो सकता है। साथ ही साथ जो लोग स्मोक करते हैं और जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बात करें कि फीमेल औरत प्रेग्नेंट है और उनको भी है, तो क्या बच्चे को हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान ये वायरस, HPV वायरस जो है, बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो अब, एंड इट कॉज पेनाइल एंड एनल कैंसर, ठीक है। अगर पेनिस रीजन में भी है तो पेनाइल, और एनस रीजन में है तो एनल कैंसर होने के भी बहुत चांसेस हैं, ठीक। अब इसके डायग्नोसिस की अगर बात करें, तो डॉक्टर्स इसको डायग्नोस कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, और फिजिकल एग्जामिनेशन आप खुद भी कर सकते हैं, इससे डायग्नोस होता है। और इसके लिए पेल्विस एग्जामिनेशन, फीमेल को पेल्विक
सॉरी पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए और फिर पैप टेस्ट और कॉल्पोस्कोपी, दीज आर द ऑप्शंस। अब पैप टेस्ट क्या होता है? पैप टेस्ट होता है कि रीजन का अंदर के जो अंदर से सेल्स या फिर जो फ्लूइड है उसको कलेक्ट करके फिर उसको इस वायरस के डिटेक्शन के लिए टेस्ट करना, इसको पैप टेस्ट कहते हैं। और कॉल्पोस्कोपी क्या होता है कि अंदर माइक्रोस्कोप जैसी कोई मतलब चीज़ को इंसर्ट करके, इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके और फिर उसको स्क्रीन पर विजुअलाइज करना कि कहीं वॉल्ट तो नहीं है, अगर इनसाइड एनस है या इनसाइड वजाइना है तो कैसे डिटेक्ट होगा, तो कॉल्पोस्कोपी। वो फिजिकल एग्जामिनेशन से तो होगा नहीं, आँखों से तो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, अंदर कॉल्पोस्कोपी के थ्रू इंसर्ट करते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इंसर्ट करते हैं और फिर उसको स्क्रीन पे विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट है हमारे पास इमिक्वायर, पोरोफाइलिन और पोरोफाइलॉक्स और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट TCA, दीज आर द ट्राईसाइक्लिक एसिड। ये हमारे पास जो है एक ऑप्शन है, हम इसको दे सकते हैं। वैसे तो ये वायरस ट्रीटमेंट क्योर नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो हम दे रहे हैं ट्रीटमेंट, जो हमने दवाइयों का नाम मैंने बताया आपको, ये हम इसलिए दे रहे हैं ताकि जो इरिटेशन हो रही है, ईचिंग हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, मतलब पेन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, पैलिएटिव केयर जिसको आप कहते हैं, उस केसेस के लिए हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। फिर अगर इससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो हम सर्जिकली कुछ रिमूवल कर सकते हैं वॉट का। तो सर्जिकली रिमूवल क्या होता है? इलेक्ट्रोकॉटरी। इलेक्ट्रोकॉटरी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करके वॉट को काट करके अलग कर देना बॉडी से, ठीक है। फिर और एक ऑप्शन है क्रायो सर्जरी, यानी कि फ्रीज करके उसको काट के निकालना, अलग है इस द लेज़र ट्रीटमेंट, लेज़र से उसको अलग करना, और एक है एक्साइशन या सर्जरी करके काट के अलग कर देना डायरेक्टली, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस हैं। फिर प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर तो ये हो नहीं सकती है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं HPV के लिए, वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। वैक्सीन्स का देखिए नाम क्या है, गैडासिल और गैडासिल 9, ठीक है, ये जो है वैक्सीन्स के नाम है। और सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए फीमेल्स के लिए एक वैक्सीन है सर्वारिक्स, ठीक है, ये वैक्सीन है फॉर फीमेल्स के लिए सर्वारिक्स है। इसका क्या है, ये जो दोनों भी वैक्सीन, जो गर्डासिल और सर्वारिक्स है, इसके 2 से 3 शॉट लगते हैं और ये 45 साल की उम्र तक के लोग ले सकते हैं, या फिर जो 9 साल से ऊपर के लोग हैं उनको भी ये वैक्सीन लगाई जा सकती है, ठीक है, और अप टू 45 ईयर्स तक ये वैक्सीन आप ले सकते हैं। तो आपने देखा कि ये कितना मतलब क्या क्या प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, एक छोटा सा मसा कितनी बड़ी चीज़ को जन्म दे सकता है। और इसके ट्रीटमेंट को देखा आपने, सर्जिकल ऑप्शंस को देखा आपने, वैक्सीन्स के बारे में देखा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, प्लीज़ मैं हर बार लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उस चैनल को भी विज़िट कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अगली बीमारी के संग। टिल देन थैंक यू वेरी मच।